हेलो जी, नमस्कार और वेलकम बैक। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों का व्लॉग आ रहा है, और ये भी इसलिए हम लोग शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक अपडेट दे सकें। बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को, कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी कहीं भी। सोशल मीडिया पे भी हम लोग एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी टाइम से कोई अपडेट नहीं है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, इवन मेरे जो करीबी दोस्त भी हैं ना, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो कॉल्स भी मुझे बहुत लोगों के आए, बट रिसीव भी नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि फैमिली में कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक व्लॉग शेयर किया था आपके साथ, शायद कब जैसे किया था कि हमने, छह सात आठ को नहीं क्या होगा, नौ मुझे को, शायद नौ नौ को तारीख को, था। 9 तारीख को हम लोग आए थे, है ना। तो 9 को एक व्लॉग शेयर किया था मैंने आपके साथ। सर, मैंने बताया था कि अंकित के कज़न जो हैं वो बीमार थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, आईसीयू में थे, और उसी वजह से हम लोग कुल्लू से भी जल्दी वापस आ गए दो या थे। तीन को आ गए थे हाँ, हम लोग 3 को वापस आ वापस। गए थे, 31 को हम लोग गए थे और 3 को ही हम लोग वापस आ गए थे। वैसे पूरा मैंने आप पहले बताया था कि पूरा जो ये छुट्टियां हैं कुल्लू में ही बिताएंगे, पर वो अचानक से बीमार हो गए थे इनकी कज़न चुटकी, और मैंने वो बताया था आपको कि वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। और उसके बाद आई थिंक कोई भी व्लॉग नहीं आया, बीच में रिकवर भी कर लिया था उन्होंने, पर काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के बावजूद, मतलब उसने बहुत फाइट बैक किया है ठीक होने के लिए, पर वो नहीं कर पाए। 20 दिन तक वो वेंटिलेटर पे थी। वो मतलब 2 तारीख को करवाया था उसको एडमिट हॉस्पिटल में ना, IGMC। दो से मतलब 20 दिन तक रही थी वो, क्या नाम है हॉस्पिटल, बीच में 1-2 दिन के लिए वेंटिलेटर से निकाल दिया था, बताया था शायद हमने आपको बीस कि दिन तक वेंटिलेटर में थी। पर बीच में दो एक दो दिन ऐसा आया था कि जब वो वेंटिलेटर से निकाल दिया था मतलब ठीक हो गई थी। और उस वक्त हमने व्लॉग भी डाला था उस वक्त उसका। मैंने बताया था कि अभी रिकवर कर रही है ठीक है, इन्फेक्शन उसका जो था वो कम भी हो रहा था, पर 21 तारीख को वो साथ छोड़ मतलब के चली गई हमारा सबका। तो बस यही रीज़न था एक कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मतलब मन भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, सब कुछ वैसे ही, मतलब अचानक से सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी उनकी। बस बाकी था 20 दिन तक थी काफ़ी थोड़ी उसमें, पर ये था कि चलो 20 दिन तक सबने काफ़ी वो किया। बाकी वो तो उसके मॉम डैडी जान सकते हैं कि मतलब कितना क्या, गुड़िया थी, रेन हाँ चाची, गुड़ चाचू, हम लोग सारे होते थे हॉस्पिटल में, उसके मामू मामी सारे थे, सबने मतलब 20 दिन तक हाँ काफ़ी केयर की सबने, डॉक्टर्स ने भी, और हमने सबने, अभी इवन अंकित उस दिन भी, ये 2-3 दिन पहले गए थे, और 21 तारीख को सोचा था, 21 तारीख को हम लोगों का प्लान था कि ये लोग घर आ जाएंगे आशा के पास, और फिर हम लोग, मैं और अलका, वो 21 को हॉस्पिटल चल जाएंगे। पर सुबह पर सुबह जब सुबह, हाँ मतलब ये लोग निकल गए थे हॉस्पिटल से, ये लोग घर के लिए आ गए थे, मतलब घर आने के लिए, और चाचू वगैरह चुटकी के पापा वो भी घर आ गए थे, मतलब और ये आधे रास्ते में ही थे तब तक न्यूज़ आई कि ज़्यादा तबीयत चुटकी की ख़राब हुई है। तो मतलब पर वैसे ही उसने तो है, हाँ फाइट बैक तो बहुत किया था बेचारी। बहुत 20 दिन बहुत, से मतलब ना इतने इतनी कष्ट हिम्मत में वाले थी वो, लड़की मतलब यार, कि बोल मतलब नहीं सकते हम उसको ना, जब हालत देखते थे हाँ नीचे। पर एक मन में होता था कि चलो कि शायद हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, पर उसकी डे बाय डे कंडीशन ना मतलब खराब हो रही इन्फेक्शन, मतलब उसका वो जो जख्म थी। था ना यार, वो बहुत था, और ऊपर से शुगर शुगर, शुगर की पेशेंट थी एक्चुअली वो ना, तो बस उस उसकी वजह वजह से वो से भर नहीं पाया, मतलब वो जख्म उसका, हाँ अंदर और इन बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। तो अपनी से तो कोशिश की थी, सबने की थी, डॉक्टर्स काफी कोशिश करते थे वहां पे नीचे। पर इवन डॉक्टर्स ने तो जब 2 तारीख को उसको एडमिट किया था आईसीयू में ना, उसी दिन डॉक्टर्स ने बोल हाँ दिया पहले था तो बोल दिया था कि कि बहुत ही कंडीशन बहुत नहीं खराब हो है, कि पाएगी। शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। पर उसके बावजूद भी उस लड़के CPR ने 2 बार उसने दिया था उसको, 2 को जिस दिन उसको ले गए थे ना, और उसके बाद भी उसने, सोचो 20 दिन तक, मतलब उसने काफी हो गया था। काफ़ी हिम्मत थी उसमें बेचारी में, बचपन से ही ये दिक्कत थी उसको शुगर की ना, 6 साल की थी वो, है ना।
तो बस यही है, मतलब इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे। फिर मन भी नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जो मतलब एक ऐसे जिंदा दिल आदमी बोलते हैं ना हमेशा। और उसको और देखो 6 साल की एज से लेकर उसको ये दिक्कत थी, पर फिर भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल रहती थी वो। उसका मतलब एक ऐसी लड़की थी मस्त वाली, जब भी कोई भी फंक्शन होगा सबसे पहले फोन करना, को भैया क्या प्रोग्राम है, वो नहीं कर रहे, चलो डांस करने चलो, चलो दिवाली मनाते हैं, वो मनाते हैं, मतलब सबसे एक्टिव थी। कुड़े के बाद सबसे वो थी मतलब हमारे बीच वो छोटी सी लड़की। पर मम्मी बोलते इस काम में देखो वो हमारे से सबसे बड़ी होगी। बाकी बस ये अभी आजकल हम लोग हम वही होता, अभी मतलब अभी परी जाना था चुटकी घर में, सुबह शाम तक बस वहीं रहते हैं। तो एक होता है मॉरल सपोर्ट मिल जाता है उसके मम्मी पापा को भी, गुड़िया को भी, बल्कि वो लोग तो ज्यादा हमारे को हिम्मत देते हैं। वो देखते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे, नहीं ठीक रहते हैं हमारे साथ, चलो कुछ नहीं हो गया, अब क्या करना। पर वो लोग तो अंदर से वही जानते हैं ना कि उनके मन में क्या बीत रही है। यहाँ तो लोगों की अगर एक सुई भी खो जाए अपनी तो उसका भी दुख मनाते हैं। तो अपने मतलब खून का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा खोना तो उनसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई समझ पाता है। यहाँ तक कि हम लोगों को भी इतना फील हो रहा है, हमने उसको अपनी गोद में खिलाया हुआ है, मतलब रिश्ते में बुआ लगती थी, पर वो एक तरह से बच्चा था हमारे लिए भी। अभी जस्ट 24 ईयर्स की थी वो, 24 साल की। तो फिर भी वही है थोड़ा, मतलब सभी लोग 20 दिन तक जब तक वो हॉस्पिटल में थे ये पता नहीं होता था हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस ये होता था कि बस एक बार चुटकी ठीक हो जाए। यहाँ घर वाले भी परेशान होते थे, डेली हम लोगों को फोन करते थे शिमला में कैसी तबीयत है उसकी, क्या है। तो काफी कुछ होने के बाद पर इतनी यंग एज में जाना ना अभी, हाँ उस चीज का बहुत ही सदमा सा लगता है। कुछ भी नहीं देखा था इवन फैमिली वाले हमारे गांव वाले सभी लोग काफी शॉक्ड थे, परेशान है। पर चलो अभी कितने 5th डे आज है ना, आज 21 तारीख हुआ था तो 5th डे है। तो धीरे धीरे मतलब जो चीजें है ना धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो रही है, शुरू में 1-2 दिन तो बिल्कुल ही अगर हम भी ऐसे रहेंगे रोते हुए दुख मनाते तो आगे सामने वाला टूट जाता है। तो मतलब अपने से तो हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको खुश रखने की कोशिश करें, हंसाएं, चलो जो भी कर सके अपने से, बाकी तो अंदर से वो लोग ही जानते। वो लोग क्या हम लोगों को भी ये लगता है कि पता नहीं हमने क्या खो दिया है, कुछ पता नहीं चलता। बाकी वही है कि अब टाइम के साथ ना धीरे धीरे चीजें टाइम के साथ फिर करनी भी पड़ेगी, चीजें भरेंगे अब टाइम के साथ नॉर्मल होंगी चीजें। बाकी बस यही थोड़ी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को, क्योंकि यार कंसर्न होते हैं सभी लोग, परेशान इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, यूट्यूब पे भी कुछ भी कोई वीडियो नहीं आई। जनवरी में तो आई थिंक बहुत ही कम व्लॉग्स आए हम लोगों के, तो बस यही था। फिर अंकित ने कहा सुबह जाने से पहले कि यार एक वीडियो बना दे, सभी लोग इनको भी कॉल करके पूछ रहे हैं, मतलब हम लोग अभी कॉल्स भी नहीं अटेंड कर पा रहे क्योंकि सुबह से शाम चाची के घर में होते हैं और उधर भी मतलब लोग आ रहे होते हैं, काम भी होता है थोड़ा बहुत करने के लिए। तो फिर तो उस वजह से मतलब कॉल्स और मैसेजेस कमेंट्स का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं था। फिर आज हम लोग सोचे कि चलो एक वीडियो बना देते हैं तो आप लोगों को एक उसकी याद के लिए, चलो हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी पता लग जाएगा। और तो बस यही बताना था आप लोगों को, लास्ट में दुआ करेंगे चलो वो जहाँ भी रहे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके मम्मी पापा को, गुड़िया को, सबको हिम्मत दे। अब क्या करें, अब जो चीज़ होगी यही चीज़ तो, क्योंकि सबसे बड़ा सच तो यही है सच। तो बस फिलहाल करने के लिए है ना, चलते हैं परे। हम भी नायशा भी अभी मतलब हम लोग भी निकुंज वगैरह थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, नायशा भी 11:15 सो के उठी है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा रोज लेट होते हैं, ये लेट उठती है, वो लोग थोड़ा जल्दी चल जाते हैं, मम्मी और तो सुबह चल जाते हैं। तो बस फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से मिलेंगे और ध्यान रखिए सब लोग, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, जितनी भी लाइफ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ ना बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है यार। मतलब हम बता नहीं सकते कि कैसे अचानक से चीजें हो जाती इस तरह की, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है।
तो बस फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Thank you.